एसिड अटैक जैसे मुद्दे पर अभी अभी छपाक फिल्म बनी, लोग देखकर बाहर भी नहीं निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक खबर ऐसी आ रही है, एक बच्ची पर एसिड अटैक हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, लखनऊ में बच्ची पर तेजाबी हमला, एसिड अटैक। पुरानी रंजिश में बच्ची पर एसिड अटैक का आरोप है। बच्ची बुरी तरह से झुलसी है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यह खबर है। केसरबाग के घसियारी मंडी की घटना, जहां तेजाबी हमला हुआ है बच्ची पर। लखनऊ में बच्ची पर एसिड अटैक, पुरानी रंजिश में बच्ची पर एसिड अटैक का आरोप। बच्ची बुरी तरह से झुलसी है। अरुण चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर। उनसे अपडेट लेते हैं। अरुण, क्या कुछ ये मामला था, बच्ची की हालत अभी कैसी है? जी, मैं आपको बता दूं कि कैसरबाग के पुराने थाने क्षेत्र में जो है, आज एक महिला है, वो पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि तेजाब पायल साफ करा रही थी, जिसको लेकर उस महिला ने वो फेंका, उससे बच्ची जल गई है पूरी तरह से, जिसको बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस हिसाब से वहाँ पर उनके परिजन है, वो आरोप लगा रहे हैं कि पुरानी रंजिश था, जिस वजह से इसके पति ने और इसने मिलकर हमारी बच्ची के ऊपर तेजाब डाला है, जिसमें दो लोग झुलसे हुए हैं, जिसमें एक लोग की जो बच्ची है, जो किसी घरों में काम करती थी, पढ़ाई भी करती थी, वो ज्यादा झुलसी हुई, उसको बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो एक महिला है, जिसको कम तेजाब पड़ा हुआ था, उसके प्राथमिक उपचार करके उसको घर भेज दिया गया। पूरी मामले की पुलिस जांच कर रही है और मुकेश सोनकर को, आशा सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे कड़ी तरह से पूछताछ की जा रही है। जी अरुण, बच्ची की हालत बताइएगा, डॉक्टर क्या बता रहे हैं बच्ची को लेकर, कितनी परसेंट, कितना फीसदी नुकसान हुआ इस तेजाब से? जी, मैं आपको बता दूं कि जो तेजाब था, वो वहाँ पर जो बताया जा रहा था, एक सोनार की दुकान है जहाँ पर काम कराया जा रहा था, वहाँ पर उसे पायल साफ कर रहे थे ये मुकेश सोनकर और उनकी पत्नी आशा सोनकर, जो उसी तेजाब उसको फेंका गया। तेजाब की संख्या ज्यादा है, जिसमें मुंह पर और पूरे आधे शरीर पर तेजाब पड़ा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि अभी हालत गंभीर है और उपचार जारी है, लेकिन जो पुरानी रंजिश का मामला है कि क्या है ये, अब गिरफ्तार उन दोनों लोगों को कर लिया गया है। पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है, थोड़ी देर बाद निकल आ पाएगा कि पुरानी रंजिश का मामला है या भूल चूक से उसके ऊपर तेजाब फेंका गया है। जी, और अरुण एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण छूट जाता है, क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेजाब इतनी आसानी से मिल पा रहा है लोगों को? सवाल यही उठता है कि जहां पर कहा गया था कि तेजाब आसानी से नहीं मिलेगा, जो सुनार की दुकान है उन पर भी तेजाब नहीं दिया जा रहा है, उसकी भी पूछ, लेकिन ये तेजाब आखिर सुनार की दुकानों पर तेजाब कहां था? तेजाब की इतनी तीव्र, जो पहले तेजाब कम था वो अभी इतना ज्यादा तेजाब था कि उससे जल गया, तो तेजाब की जो तेज थी वो इतनी ज्यादा अभी क्यों थी, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है कि इनके पास तेजाब कैसे आया। लेकिन अब बहुत दिनों से लगातार अभी देखा जाए कि राजधानी में इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी होती, लेकिन बहुत दिन बाद अब तेजाब की घटना हुई है। अब इस तेजाब के कारण पुलिस ये भी कह रही है कि अब दुकानों पर तेजाब, जो सुनार की दुकान है पर, उनकी जांच कराई जाएगी कि उनका कैसे आया, अगर वो इस तरह की गैर कानूनी तरीके से रखते तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अरुण, अभी अभी छपाक फिल्म रिलीज हुई, कल का ही दिन था, लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, सियासी चश्मे से देखिए अलग तरीके से, लेकिन छपाक फिल्म में भी यही चीज दिखाई गई है, किस तरीके से एक महिला एसिड अटैक का शिकार होती है, फिर अपनी जिंदगी वो जीती है। लेकिन आज दूसरे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है, शनिवार को एक खबर आती है एक बच्ची फिर से एसिड अटैक का शिकार हो गई। जी देखिए, बहुत बड़ी घटना है कि क्योंकि अभी कल ही तेजाब फिल्म जो छपाक एसिड फिल्म है, और जो फिरोज कैफे लखनऊ में जहाँ पर एक कैफे है जहाँ पर ज्यादातर महिलाएं जो है, जो एसिड अटैक महिलाएं हैं, वहाँ पर काम करती हैं, और इस तरह पर उसी पर निर्धारित फिल्म बनाई गई थी, और लखनऊ में ये घटना हो जाती है। ये सबसे बड़ा पुलिस पर भी सवाल उठता है कि पुलिस किस तरह से यहाँ पर अभी तक जो तेजाब दुकानों पर मिल रहा था, और जो दुकानों पर जो बैटरी की दुकानें हैं वहाँ पर जो तेजाब की मात्रा से जांच की जा रही थी कि तेजाब कहीं भी नहीं है, लेकिन आज जो तेजाब की घटना हुई है, पुलिस पर कई भी सवाल उठते हैं कि राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है तो आखिर और जिलों में क्या हाल होगा। लेकिन अब पुलिस को इस पर कहीं ना कहीं सबक लेना पड़ेगा और जांच करनी पड़ेगी कि इस तरह की घटना पुनरावृत्त ना हो, और ये भी जांच करने वाली बात है कि आखिर इस तरह की तीव्र वाली तेजाब इन दुकान पर कैसे पाई गई है, जिस लड़की से बड़ा झुलसी हुई है। लेकिन पूरी तरह की पूरी पुलिस ने जांच टीम गठित कर दी गई है, पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, जल्द से जल्द आगे निकल के आएगा कि क्या पूरा मामला है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अरुण, इस खबर पर फिर आएंगे हम आपके पास अपडेट के लिए। लखनऊ में बच्ची पर एसिड अटैक, सीओ साहब क्या कह रहे हैं इस मामले पर, वो आप ही आपको दिखा रहे हैं।
शंकर नाम की एक 14 वर्षीय बच्ची है जो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कामकाज भी करती है आसपास के क्षेत्र में। वहीं पर पड़ोस की रहने वाली जो है आशा सोनकर नामक महिला जो है कारीगर से अपनी चांदी के पायल साफ करवा रही थी। इसी बीच में आशा सोनकर और कारीगर के बीच में झगड़ा हुआ, उसने कारीगर के थैले को उठा के फेंक दिया। उसके कारीगर के थैले की जो एसिड है ये गुनगुन सोनकर और एक दो महिला के आसपास उनको लगी है, जिसमें गुनगुन सोनकर को कुछ ज़्यादा चोट आई है, लगभग चेहरे और हाथ पे एसिड से जलन हुई है और आशा सोनकर को पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में ले लिया है।